से विदाउट एनी बकवास लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक है सेबी और सैट के बीच में जो डिस्प्यूट चला था इस प्रोविज़न को लेके, वो क्या है एक्चुअली। ये प्रोविज़न जो है वो नथिंग बट एक लिस्टिंग कंडीशन के ऊपर है कि अगर कोई भी कंपनी इस लिस्टिंग कंडीशन को वायलेट करेगी तो 25 करोड़ की पेनल्टी उसे देनी है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है सैट क्या होता है। तो सैट जो है वो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, और ये यहाँ पे किसके अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं, तो ये जो ऑर्डर इशू होते हैं IRDAI से, PFRDA से और सेबी से, उसके अगेंस्ट यहाँ पे अपील किया जा सकता है कुछ कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस को रखते हुए। और क्या होता है अगर यहाँ से भी अगर अपील करना है, सैट से भी अगर अपील करना है, तो वो अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में। फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो अदर मेंबर्स का जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का होता है एंड एलिजिबल होता है रीअपॉइंटमेंट के लिए। बट यहाँ पे क्या याद रखना है कि अप टू द 70 ईयर्स ऑफ एज तक, मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए फिर से रीअपॉइंट हो सकते हैं। और जो इनकी जो इनको रिक्रूट करते हैं, रिक्रूट मतलब कि जो अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटमेंट इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होती है। तो ये सैट के बारे में यहाँ इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। सेकेंड टॉपिक देखते हैं। सेकेंड टॉपिक में काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो स्टेनलेस स्टील पे लगाई गई है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, तो ये लगाई गई है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी, होती क्या है, फ़र्क क्या होता है दोनों के बीच में। काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो होता है वो सब्सिडीज़ वाले प्रोडक्ट पे लगता है, और मतलब ऐसा देखा जाता है जैसे चाइना से, फॉर एग्जांपल चाइना से अगर कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रही है इंडिया, और उस प्रोडक्ट वो जो है वो एक सब्सिडाइज प्रोडक्ट है, तो उस पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी लग सकती है, ताकि सो दैट एक बैलेंस बना रहे यहाँ के जो इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ वो प्रोडक्ट एक बैलेंस में रहे। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है नॉन सब्सिडाइज प्रोडक्ट पे भी, लग सकती है गुड्स पे भी लग सकती है, वैसे गुड्स और प्रोडक्ट पे लगती है। फॉर एग्जांपल चाइना का ही एग्जांपल लेते हैं, अगर चाइना से कोई प्रोडक्ट जो है वो इम्पोर्ट हो रही है काफ़ी चीप रेट पे, और उसकी वो रेट है नहीं बट उसको चीप बनाया जा रहा है सो दैट उसका इम्पोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया करे, और उसको मतलब चाइना वाले ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। तो जो प्रोडक्ट जैसे अगर मान लो फॉर सपोज इंडियन करेंसी में अगर 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट है और उसको वो चीप बना के 60 रुपीज़ में बेचना चाह रहे हैं, तो ऐसे एंटी डंपिंग ड्यूटी उस पर लगती है। इम्पोजिशन जो होता है वो एंटी डंपिंग का, नॉट एंटी डंप दोनों का ही, वो जो होता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स लेती है, सजेस्ट करती है, बट एक्चुअल एक्शन किसका होता है, फिनेंस मिनिस्ट्री का होता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो फिनेंस मिनिस्ट्री के अंडर होता है उनका एक्चुअल एक्शन उनका होता है विद इन 3 मंथ के ड्यूरेशन में। और तो ये चीज़ थी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इसी से रेलेवेंट है, दैट इज़ ऑन स्टेनलेस स्टील। अगर इस पे लगाई जा रही है ये CVD काउंटर वेलिंग ड्यूटी, तो स्टेनलेस स्टील और स्टील में थोड़ा फ़र्क जान लेते हैं। स्टील जो होता है वो बनता है जब हम आयरन को ऐड करते हैं कार्बन में, ठीक है, और स्टेनलेस स्टील जो होता है वो हम क्रोमियम ऐड कर देते हैं। क्रोमियम के कंटेंट से भी दे आर 5 टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील, वो आप देख लेना। और वो जो 5 टाइप जो होते हैं ना वो इसी पे बेस्ड होता है कि क्रोमियम का लेवल कितना है और कितना ऐड किया गया है। तो यहाँ पे क्रोमियम को ऐड किया जाता है, और भी होते हैं जैसे कि निकल, नाइट्रोजन, मॉलीबिडियम, बट मेन जो इसका होता है वो क्रोमियम होता है। और इसके बाद ये दोनों फ़र्क है, बट स्टेनलेस स्टील जो होता है वो काफ़ी काफ़ी अच्छा रिसोर्स माना जाता है। किसके अगेंस्ट, कोरोजन के अगेंस्ट, ये रेसिस्टेंट टू कोरोजन होता है। और लेकिन जो स्टील होता है ना, स्टील हार्डनेस के मामले में स्टील प्रेफर किया जाता है। ये दोनों इसके में फ़र्क है। अब एक और चीज़ है जो करंट अफेयर्स में थी, वो था कि जो ग्रीन हाइड्रोजन, नेक्स्ट स्लाइड में होगा, ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट टाइम इम्प्लांट किया गया है कहाँ, इसी सेक्टर में, स्टेनलेस स्टील में, इसलिए स्टेनलेस स्टील इतना इम्पॉर्टेंट है। ये रहा इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर। इसका लोकेशन कहाँ है, तो जिंदल, लोकेशन है हिसार में, और ये फैक्ट्री मतलब ये कंपनी है जिंदल स्टेनलेस स्टेनलेस लिमिटेड हिसार,
और ये इंडिया की फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड की फर्स्ट ऑफ ग्रिड यहाँ पे इम्प्लांट किया गया है। दे आर टू टर्म्स, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मेटल फॉर्मेशन या मेटल जो मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पे, दो चीज़ें मैकेनिज्म है वहाँ का कि दो चीज़ों से बनता है ऐसे, एक है हॉट रोल्ड कॉइल और एक होता है कोल्ड रोल्ड कॉइल। जो हॉट रोल्ड कॉइल है वो क्यों अभी पढ़ना है, क्योंकि एक जो प्लांट है स्टील प्लांट, नर स्टील प्लांट, उसने ये अचीव किया है हॉट रोल्ड कॉइल से, ये चीज़ बनाया गया है, उन्होंने मेटल प्रोडक्शन किया है इस चीज़ से, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें होता ये है कि ये इस प्रोसेस में स्टील को एक टेम्परेचर, जो उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर पे उसे हीट किया जाता है, और ये जो रोल कॉइल्ड रोल हॉट रोल कॉइल्ड है ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, तो रेलवे ट्रैक्स जो बनते हैं उसमें यूज़ होता है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है। हॉट वाले में क्या होता है, ये जैसे रेलवे ट्रैक है इन सब में, बट जो कोल्ड वाला होता है, कोल्ड वाले में, कोल्ड रोल्ड वाले में हमें वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे मेटल्स को हमें काफ़ी शार्पली शेप देना होता है। कोई जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिम इंस्ट्रूमेंट हो गया, वहाँ पे शार्पली आपको एक डिफाइंड रिफाइंड शेप का मेटल बनाना है, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये तो नागर स्टील प्लांट। नाउ नेक्स्ट, अब रेलवे ट्रैक से ये आ जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या होता है रेलवे में। तो अभी जो पिछले साल उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में जो कोलिजन हुआ था, ट्रेन एक्सीडेंट हुए थे, उससे रिलेटेड ही है ये कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की फेलियर की वजह से वो सब हुआ था। तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सेफ्टी पर्पस के लिए होता है रेलवे में। इसमें कुछ टर्म्स है लाइक सिग्नल ट्रैक्स पॉइंट्स डेटा लॉजर एंड एक्सेल काउंटर्स। तो ये क्या होते हैं आप पढ़ लो, कि मैंने एक एक चीज़ लिखा हुआ है कि सिग्नल जो है जैसे ट्रैफिक सिग्नल में काम करता है, वैसे ही ये इंडिकेट करता है स्टेटस कि ट्रैक पे आगे जाना है कि नहीं जाना। ट्रैक जो होता है वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसमें हमें इंडिकेट क्या करता है, ऑक्यूपेंसी, कि ट्रैक पे ऑलरेडी क्या ऑलरेडी मतलब उस ट्रैक पे ऑलरेडी एक ट्रेन है, ऑक्यूपेंट है वो ट्रैक की नहीं है वो बताता है। पॉइंट्स जो होते हैं वो मतलब अलाउ करता है ट्रेन को कि वो चेंज कर सकते हैं ट्रैक, पॉइंट्स चेंजिंग फॉर ट्रैक के लिए होता है। उसके बाद एक डेटा लॉजर होता है, वो सारी एक्टिविटीज़ जो हो रही होती है ना उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होता है। इट इज़ जस्ट लाइक जैसे एयरक्राफ्ट में वो ब्लैक बॉक्स होता है, वैसे यहाँ पे रेलवेज़ में डेटा लॉजर होता है। एंड वेरियस काइंड ऑफ ट्रैक ऑक्यूपेंसी सेंसिंग डिवाइस भी लगे होते हैं जो व्हील्स को डिटेक्ट करते हैं एंड उनको एक्सेल काउंटर्स। तो दीज आर द टर्म्स। नाउ खाप पंचायत, खाप पंचायत देखा गया था इस टाइम पे जब ये जो मिनिस्टर को एक्यूज़ किया गया था सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ रेसलर्स में, तो उस टाइम खाप पंचायत का एक पॉजिटिव रोल आया था। बट नॉट अभी, होता क्या है, ये एक कास्ट और कम्युनिटी ग्रुप होती है इसमें जो कि क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह एक्ट करती है और काफ़ी हार्श पनिशमेंट भी देती है एज ओल्ड कस्टम्स को, मतलब काफ़ी कंजर्वेटिव होती है और पुराने ख्यालात की होती है, और एज ओल्ड कस्टम्स के बेसिस पे वो हार्श पनिशमेंट देते हैं। इनका मतलब क्या बोलूँ, मतलब रोल इनका कहीं पॉजिटिव दिखेगा कहीं पे नेगेटिव दिखेगा। तो इनका रोल पॉजिटिव इसमें आया था कि एक्शन लेने के ऊपर, कि जो ये मिनिस्टर है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, यहाँ पे एक पॉजिटिव रोल था। नेगेटिव रोल होता है कि थोड़ा एज ओल्ड कस्टम्स को लेके ये पनिशमेंट देते हैं, तो जहाँ पे बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं लाइक सेम सेक्स मैरिज को लेके या फिर लैंड को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको लेके, वहाँ पे काफ़ी ऑप्रेसिव नेचर होता है इनका, और ये अपने आप ही मतलब जो जुडिशरी होती है अपने हाथ में ही ले लेते हैं। तो खाप पंचायत इससे रिलेटेड है, और अगर पंचायत पढ़ रहे हैं तो पंचायत से रिलेटेड हम आर्टिकल्स भी पढ़ लेंगे। 243 से 243O तक पंचायत के कुछ बॉडीज़ जो नॉट बॉडीज़ जो कमेटी थे लाइक बलवंत राय और उसके बाद अशोक मेहता, देन GVK राव एंड LM सिंह भी, गाडगिल कमेटी एक्सेट्रा, जो भी कमेटी थी उसके जो रिकमेंडेशंस थे वो थोड़ा ओवरलुक कर लेना है, क्योंकि
और तो कुछ नहीं है उसमें। पंचायत का थोड़ा देखना है कि जो पेशा एक्ट है, जो 10 स्टेट है जो स्केड्यूल एरियाज में आते हैं, वहाँ के कुछ अलग ऑल्टर करके जो एक्ट बनाया गया है, पेशा एक्ट ऑल्टर किया गया है वहाँ पे, कैसे ग्राम सभा को पावर दी गई है, तो वो देखना है बस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज़ फार्मास्यूटिकल इंस्पेक्शन कन्वेंशंस एंड फार्मास्यूटिकल इंस्पेक्शंस कोऑपरेटिव स्कीम। फार्मास्यूटिकल इंस्पेक्शन, ये जो आया है ना, ये चीज़ इसलिए आया है जो कफ सिरप की वजह से डेथ हुआ था गामिया के बच्चों को, उसकी वजह से इंडिया ने अब यहाँ पे क्या किया है, एक एक्शन लिया है, एक प्रोएक्टिव एक्शन लिया गया है कि हम इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। PIC जो है वो फाउंडेड बाय द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन 1970 में, और जो दूसरा है ये स्कीम वाला, वो स्टार्ट किया था 1995 में। दोनों को मिला के टुगेदर इसको क्या बोला जाता है, PIC/S। ये कंट्रीज़ के बीच में भी होती है और फार्मास्यूटिकल इंस्पेक्शन अथॉरिटीज़ के भी बीच में होती है। ऑब्वियसली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि एक GMP हो, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हो, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बीच स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉलो किया जाए, एक क्वालिटी दिया जाए और रेगुलेटरी हो, तो ये सारी चीज़ें इसकी ऑब्जेक्टिव होती है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ द लेवेंडर फेस्टिवल, ये सेकेंड टाइम हुआ था अभी। और लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ होता है, जम्मू के इस जगह में, और इसको कैपिटल, लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला गया है, एज वेल एज जो एग्री स्टार्टअप डेस्टिनेशन भी इसे दिया गया है। ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, तो ऑर्गेनाइज CSIR IIM ने ऑर्गेनाइज करवाया था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द प्रेरणा प्रोग्राम। प्रेरणा प्रोग्राम जो है वो वर्नैकुलर स्कूल है, और प्रेरणा प्रोग्राम वीक लॉन्ग, मतलब जो 9th to 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होता है। ये 20 का बैच बनाया है, 10-10 गर्ल्स एंड बॉयज़ इक्वली सेलेक्ट किया जाएगा, और वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री से, और उन्हें इस स्कूल में सिखाए जाएंगे क्या, वर्नैकुलर स्कूल है तो लैंग्वेज के ऊपर है। एंड ये जो प्रेरणा प्रोग्राम था वो बहुत पुराना है, 1888 से स्टार्ट किया गया था इसे, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ यहाँ गुजरात में वाडनगर से। 9 वैल्यू बेसिक थीम्स है, वो आप देख लेना, बेसिक थीम्स इसका ये जो भी 9 वैल्यू बेसिक थीम्स है ये सब है। नेक्स्ट टॉपिक गामबूशिया फिश। ये फिश जो है वो मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फिश होती है, क्योंकि ये उन जो जिससे मॉस्किटो होता है ना उसको खा लेती है। तो मॉस्किटो, मलेरिया, ये सब जिस चीज़ से होती है, मच्छर से होता है, जो उसको ये खाते हैं। ऑल्सो उन्होंने इसको मॉस्किटो फिश भी बोला जाता है। और ये कि कहाँ की नेटिव है, तो ये साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट की नेटिव है। इसको मलेरिया कंट्रोल स्ट्रेटेजी में क्या अभी यूज़ किया गया है, नहीं, इसे पहले भी यूज़ किया गया था 1928 के टाइम पे। IUCN ने गामबूशिया को वर्स्ट इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ टॉप 100 में आती है उसको डिक्लेयर किया गया है। क्यों ये न्यूज़ में थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसे 10 मिलियन गामबूशिया फिश को स्टेट वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ किया था, ताकि वो जो मॉस्किटो से डिजीज़ होते हैं, जो मलेरिया, डेंगू, ये सब होते हैं, उनको कॉम्बैट कर सके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज़ द भूमि सम्मान। भूमि सम्मान 2023 में जो हुआ था उसमें बेस्ट किसको दिया गया, उड़ीसा को दिया गया है बेस्ट स्टेट इन द कंट्री फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल इंडिया रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। इस चीज़ के लिए उड़ीसा को बेस्ट स्टेट इन द कंट्री दिया गया है। और अगर कुछ मेंस में फेडरलिज्म के ऊपर आ जाता है लिखने, तो भूमि सम्मान इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द फेडरेशन। भूमि सम्मान अवार्ड जो था वो लॉन्च किया गया था कौन से मिनिस्ट्री के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिपार्टमेंट के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक इज नामदा प्रोजेक्ट। नामदा प्रोजेक्ट क्या है ये, नामदा है, नामदा एक्चुअली एक क्राफ्ट होता है, कश्मीर का क्राफ्ट है, और इसको रिवाइवल करने की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली रिवाइवल करने की कब बात होती है, जब वो चीज़ मिसिंग आउट हो रहा होता है। तो नामदा क्राफ्ट, कश्मीर की क्राफ्ट, और ये किससे बनती है, तो इट इज़ अ रग मेड ऑफ शिप के वूल से थ्रू फेल्टिंग टेक्निक इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वीविंग। तो जो नॉर्मल वीविंग प्रोसेस होता है उससे ना बन के एक फेल्टिंग टेक्निक होता है, उसके थ्रू ये जो बनती है नामदा क्राफ्ट। नेक्स्ट इज, और इसमें एक और चीज़ था कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
का ही एक पार्ट है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आप देख लेना। देन चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है ये, एंड ये 2 डे का इवेंट होता है थ्रू आउट हिस्ट्री जो चाचिन, और मतलब 2 डे इवेंट है, और ये मोंगपा कम्युनिटी में होता है ये बुमला पास, मतलब बुमला पास अरुणाचल में वहाँ पे मनाया जाता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेजिंग के ऊपर, इसमें एनिमल के हेल्थ के ऊपर भी बात की जाती है, बेटर लाइफ स्टॉक केयर के बारे में नॉलेज दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द लाम्बनी आर्ट। लाम्बनी आर्ट को वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में अभी अभी इसे इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में, क्रिएटेड लार्जेस्ट डिस्प्ले के लिए, लार्जेस्ट डिस्प्ले हुआ था और इसे लाम्बनी एक्ट का, तो उसको इंक्लूड किया गया है। और जो ई कब कब हुई थी ये, तो G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप हम्पी में जब हुआ था थर्ड वाला, तब हुआ था ये। और इसे इस मीटिंग को एक और टाइटल दिया गया था, थ्रेड ऑफ यूनिटी। लाम्बनी आर्ट जो होता है वो क्लोथ पे होता है, कपड़े के ऊपर बनाया जाता है, इसको बंजारा कम्युनिटी के थ्रू बनाया जा जो कम्युनिटी होती है बंजारा थ्रू वो बनाती है, एंड कलरफुल थ्रेड्स और ये सब यूज़ होता है। जो सांदूर लाम्बनी एम्ब्रॉयडरी है उसको GI टैग भी मिला हुआ है 2010 में। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रॉयस। अब सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रॉयस ये जो है वो नॉर्मल फ्यूज़न ऑफ एग एंड स्पर्म सेल से नहीं होता है, ये प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल से बनता है। स्टेम सेल्स किसी भी दूसरे सेल में कन्वर्ट होने की उसके पास ये पावर कह लो होती है, या कैपेबिलिटी होती है, दूसरे सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब एम्ब्रियो का एक स्टेज होता है 150 डेज के बाद, समथिंग ब्लूरोब्लास्ट, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टर्म यहाँ पे लिखा है, हाँ सेकेंड वाले जो डायग्राम बना है उसमें सेकेंड वाले में लिखा है कि जो ब्लास्टो क्रिस्ट वाला जब प्रोसेस आता है, जब वो फेज आता है, तब ये प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल तब ये प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल बन सकता है ये वाले फेज में। तो यही हुआ है, अभी सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रॉयस बनाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर एक डिलेमा आ गया है कि ये एथिकल है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक तो काफ़ी, मतलब साइंटिफिक तरीके से तो एक अचीवमेंट है, बट एथिकल डिलेमा है इसमें। तो ये चीज़ थी करंट अफेयर में। और इसमें इसमें सिर्फ यही नहीं आएगा, सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रॉयस ही नहीं पढ़ना, इसमें स्टेम सेल भी पढ़ना पड़ेगा। स्टेम सेल के टाइप्स जो होते हैं, आई थिंक देयर आर टू टाइप्स स्टेम सेल के, आई थिंक देयर आर टू टाइप्स विच वन इज दी नॉर्मल जो होता है एम्ब्रियो स्टेम सेल, एंड सेकेंड जो होता है वो एडल्ट स्टेम सेल। एडल्ट स्टेम सेल ना काफ़ी लिमिटेड होता है, बट एम्ब्रियो स्टेम सेल्स, वराइटी ऑफ स्टेम सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है, ये एक बार आप प्लीज़ देख लेना। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ दिस फॉसिल। ये पहले बोला जा रहा था कि किसी प्रिमिटिव एनिमल का फॉसिल है, बट ये बाद में अभी क्या डिक्लेयर हुआ है कि ये फॉल्स निकला, किसी एनिमल का फॉसिल नहीं था ये एक वैक्स है बीहाइव का। ओके, एंड ये कहाँ फाइंड आउट किया गया था, ये भीमबेटका रॉक शेल्टर के पास मिला था ये, और भीमबेटका रॉक शेल्टर फाउंडेड बाई 1957 बाई VS वाकंकर। नाउ नेक्स्ट इज, और ये जो है ना भीमबेटका रॉक शेल्टर, ये आई गेस मेजोलिथिक, ये किसी जो स्टार्ट कौन सा पीरियड था, वो प्लेनियोलिथिक और मेसोलिथिक इस पीरियड का होगा, एक बार देख लेना, आई एम सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद फिर गांधी पीस प्राइज फॉर 2021, गांधी अभी ये 2023 में मिला है, गांधी पीस प्राइज 2021 ईयर के लिए 2023 में जो मिला वो मिला गीता प्रेस गोरखपुर को। गांधी पीस प्राइज जो होता है एनुअली मिलता है, 1995 से स्टार्ट हुआ है, 125th एनिवर्सरी महात्मा गांधी पे, महात्मा गांधी जी की तो 125th एनिवर्सरी थी, उस पे स्टार्ट हुआ था 1995 से। ये सारे ही ओपन है टू ऑल द पर्सन रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, जेंडर। दैट मीन्स कि नेशनलिटी नहीं, मतलब हम किसी फॉरेन
फॉरेनर को भी दे सकते हैं, और किसी मतलब आउट ऑफ द नेशन जो दूसरे कंट्री के होंगे उनको भी दे सकते हैं। उसके बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यहाँ लिखा भी है पास्ट अवार्ड इंक्लूड, तो कौन कौन, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, इसरो को हम दे सकते हैं, किसी जैसे ट्रस्ट को दे सकते हैं, देन फिर किसी बैंक, दूसरे कंट्री के बैंक को भी दिया जा सकता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया सकता है, इनफैक्ट किसी स्टेट के कैपिटल या सिटी को भी मिला जा सकता है ये। इसका अवार्ड क्या क्या कैरी करता है, तो कैश प्राइज है, और फिर एक साइटेशन है, एक ये है, और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स देख लेना, ये सारे आइटम्स है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको 20 ईयर्स हो गए हैं 2023 में। फाउंड कब हुआ था ये, फाउंडेड इन 19 जून 2003। नेक्स्ट ही जो है वो किसके अंडर आता है, माइटी के अंडर आता है। इसका काम क्या है, इंटरनेट को पेनिट्रेट करना और इंडिया में इंटरनेट को एडॉप्ट, इसको इसके फीचर्स को एडॉप्ट करवाना वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर से। इसके चार सर्विसेज होते हैं, एक सेटिंग, इसको IXPs को सेट करना टूवर्ड्स बिल्डिंग इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, चार इसके सर्विस है, एक ये सर्विस है, फिर .in रजिस्ट्री है जो कि एक डोमेन दिया जाता है, डिजिटल आइडेंटिटी डोमेन होता है ना, .in .com .ये वो डोमेन मिलता है। उसके बाद ये क्या है, ये IRIN टूवर्ड्स जो प्रोटोकॉल होते हैं, 4 और 6। उसके बाद कौन सा, ये डेटा सेंटर सर्विस, और लास्ट कौन सा है, डेटा सेंटर सर्विस स्टोरेज के लिए, जो ये है अंडर दिस वो किस चीज़ के लिए, स्टोरेज सर्विस है। तो चार टोटल, यही चार सर्विस है, एक ये है जिसमें जिसमें सेटिंग होगा, दूसरे में डोमेन मिलेगा, तीसरे में जो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होते हैं वर्जन 4 6 का जो चलता रहता है उसको एडॉप्टेशन करना, एंड फोर्थ में स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करना, डेटा स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करना। देन TCRM मैट्रिक्स, ये एक फ्रेमवर्क है जो कि नीति आयोग ने रिलीज़ किया है, इंट्रोड्यूस किया है, किस चीज़ के ऊपर है कि टेक्नो कमर्शियल रेडीनेस और मार्केट मेच्योरिटी मैट्रिक्स, ये इनोवेशन के लिए है और प्लस एंटरप्रेन्योरशिप को एक एनकरेजमेंट देने के लिए है। और लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि टेक्नोलॉजी, सिर्फ टेक्नोलॉजी को मतलब काफ़ी आइसोलेटेड है, इंटीग्रेट करना चाहिए, इंटीग्रेट करने की इसमें कमी आ रही है, देन मतलब ड्रॉबैक है कि इंटीग्रेशन। वन लाइनर में ब्लू पैंसी, ब्लू पैंसी ये जो है जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल बर्ड, बर्ड केयर बटरफ्लाई डिक्लेयर्ड हुई है ब्लू पैंसी, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है जुनोइया ओरिथिया। ये वेरियस पार्ट में, क्या सिर्फ इंडिया में मिलती है, नहीं, ये वेरियस पार्ट में मिलती है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, वहाँ पे भी पाई जाती है, इस टाइप की ऐसा कुछ दिखती है। उसके बाद वन लाइनर में जो फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल जो जिसका नाम है ये MV Empress, देन आमचेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में है, क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि इसके डिमार्केशन की बात हो रही है। और तो और क्या है, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने लॉन्च किया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड है ये। एक सागर समृद्धि, सागर समृद्धि एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। ड्रेजिंग क्या होता है, जो ओशन के सी बेड, ओशन के बेड में जो काफ़ी प्लास्टिक डर्ट या फिर प्लास्टिक कह लो या फिर जो भी गंदे मटेरियल्स दब जाते हैं, उन सबको हटाना, उन सबको हटाने के लिए जो प्रोसेस है वही है सागर समृद्धि की ड्रेजिंग, वही होता है, जो जितना भी गंदा कूड़ा कचरा जो भी है वो ओशन के अंदर जो दब के दब जाता है वो उनको हटाने के लिए सागर समृद्धि। देन नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम जो है वो यूपी गवर्नमेंट स्कीम है, यूपी पीसेस के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। देन देवेन जो ये देवेन कनम चरुहरिथम, जो ये देवेन कनम चरुहरिथम ये केरला, केरला से रिलेटेड है, और केरला से रिलेटेड ये है कि ये टेम्पल से रिलेटेड है एक्चुअली केरला में, और उस टेम्पल के अराउंड अब कैसे ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है कैसे इमिशन रिडक्शन करने का GHGs का। तो बहुत सारे केरला के जो टेम्पल्स हैं वहाँ आसपास इम्प्रूव किया जा रहा है वाटर रिसोर्सेज को, बाय रिस्टोरिंग जो टेम्पल पॉन्ड है उनको फिर से रिस्टोर किया जा रहा है, सैक्रेड ग्रूव्स को सेफ गार्ड किया जा रहा है थ्रू आउट द स्टेट। और इसको हम एक और जो देवन कनम चतु
चतुहरिथंतम, उसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है ब्यूटीफुल ग्रीन एडॉब्स ऑफ गॉड। देन वन लाइनर में एक ये क्या है, कैंडिया ऑरिस, ये मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट फंगस है। ये जो था ये कैंडिया ऑरिस, वो और मल्टी ड्रग फंगस से रिलेटेड, याद रखना है कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट फंगस के लिए है ये। एंड फर्स्ट टाइम ये जापान में 2009 में आइडेंटिफाई किया गया था, और ये ह्यूमन बॉडी के लिए इन्फेक्शन कर सकता है ह्यूमन बॉडी में। देन इसमें थोड़े ना मतलब या तो वायरस से रिलेटेड या फिर मेडिसिन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, कीवर्ड्स हैं, तो उससे फैमिलियर होना है, आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, बस फैमिलियर हो जाना है। देन फॉल्कोडाइन, फॉल्कोडाइन जो होता है वो कफ्स कफ को सप्रेस करता है, बट इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो पाए गए हैं, अभी लास्ट ईयर न्यूज़ में था ये। देन ये TOMV, टोमेटो मोज़ेक वायरस जो होता है, और ये CMV जो कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, महाराष्ट्र और कर्नाटका के जो क्रॉप्स लॉस हुए हैं, तो उनका रीज़न उन्होंने यही दिया है, ये दो जो वायरस थे उनके क्रॉप्स में। पहला जो है वो इस फैमिली से आता है एंड क्लोजली रिलेटेड है इस टबैको मोज़ेक वायरस से, और इसके होस्ट ये होते हैं। जो CMV जो है वो कुकुम्बर वाला, वो उसके होस्ट जो होते हैं ये होते हैं, और ये नाम से पता चल रहा है, और ये कर्नाटका वालों ने ये रीज़न दिया था। देन नेक्स्ट इज द एंड ऑफ दिस स्लाइड। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मुझे लगता है कि आपके लिए यूज़फुल हो सकता है।